हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीट टेक्निकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2020-21 को लेकर कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि अभी तक आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आई है या फिर नहीं आई है। वो भी सिर्फ आप जो है अपना अकाउंट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि समाज कल्याण विभाग ने 24 जनवरी को 1,43,929 छात्रों के जो स्कॉलरशिप है उसे जारी कर दिया है। तो अभी तक आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आई है या नहीं आई है, आपको कैसे चेक करना है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस न्यूज़पेपर में भी दिखा देता हूं, उसके बाद में कुछ इसकी टर्म और कंडीशन है उसे भी आपको देखना होगा, उसके बाद ही आप अपनी स्कॉलरशिप को चेक करिएगा, अन्यथा आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके मिस कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के मौके पर समाज कल्याण विभाग ने रविवार को 1,43,929 स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए जारी की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हर साल करीब 57 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देते हैं। हर साल 2 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति बांटी जाती है। ये तो हो गई न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है जानकारी मिली है। इसके अलावा कुछ इसकी टर्म और कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको अपनी छात्रवृत्ति को चेक करना है, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म और कंडीशन क्या है कि दिनांक 24 जनवरी 2021 को यूपी दिवस पर 1,43,929 यानी कि 1,43,929 छात्रों की स्कॉलरशिप भेजी गई है। यदि आप पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट हैं, पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है 11th और 12th के स्टूडेंट हैं, और अपना फॉर्म 5 नवम्बर के पहले यानी कि 5 नवम्बर के पहले आपने अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया था, तब जो है आप अपनी स्कॉलरशिप को चेक करिएगा। उसके आगे क्या बताया गया है, तथा प्री मैट्रिक स्टूडेंट के लिए, प्री मैट्रिक का मतलब होता है 9th और 10th क्लास के लिए है। अगर आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने अपना फॉर्म 12 अक्टूबर के पहले फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप अपना स्टेटस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो है अपना अकाउंट नंबर डालिएगा, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको जो है गूगल के थ्रू भी आपको चेक करना बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले इन चीज़ों को जो है देख लेना है। अगर आप 11th और 12th यानी कि 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं और आपने अपने फॉर्म का फाइनल सबमिट 5 नवंबर से पहले कर दिया हो, या फिर अगर आप पोस्ट प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हैं यानी कि 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और अपने फॉर्म को आपने 12 अक्टूबर से पहले फाइनल सबमिट कर दिया है, तो आप जो है अपनी छात्रवृत्ति का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में आई है या नहीं आई है। कैसे चेक करना है मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो दोस्तों, छात्रवृत्ति का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल एप्लीकेशन को खोल लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ सर्च बार में लिखना होगा PFMS, इस प्रकार से आपको लिखना होगा PFMS। उसके बाद में आपको सर्च करा देना है। तो जैसे आप सर्च कराएंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज खुल के आ जाएगा, और जो वेबसाइट है वो सबसे ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे जहाँ पे लिखा है PFMS, उसके आगे यहाँ पे ऊपर लिखा है PFMS.NIC.IN, तो आपको इस वेबसाइट पे जाने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट जो है आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट खुल के आ चुकी है, जिसका फुल फॉर्म है PFMS का पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आप कोई भी अगर गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी पेमेंट आती है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप गूगल के थ्रू नहीं चेक करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट ये पेज ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपको इसे स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ आपको जाना होगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नो योर पेमेंट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यानी कि ये डिटेल मांगेगा आपकी जो है स्कॉलरशिप चेक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट बाय अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट के हिसाब से यानी कि अपना अकाउंट नंबर डाल के अपनी पेमेंट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद में जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा
स्टेट, उसके बाद में बैंक, उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो जितनी भी स्टेट बैंक से रिलेटेड बैंक होंगी सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे है इंटर अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, यानी कि अपना खाता संख्या स्टेट बैंक का, जिस भी बैंक का है। अगर आपका दूसरा कोई बैंक है तो आप यहाँ पे दूसरा बैंक आप सर्च करिएगा डाल के, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ इंडिया जो भी है वहाँ पे डालिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, फिर इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर, दोबारा से यहाँ पे फिर अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको नीचे जो है ये जो वर्ड वेरिफिकेशन लिखा है यहाँ पे आपको इस चीज़ को सेम इसी चीज़ को यहाँ पे उतार देना है। यहाँ पे आपको लिखना होगा, जैसे ई लिखा है तो आपको E7 4 9 4 5 लिख के आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी अगर जो है छात्रवृत्ति आई होगी तो जो है उसका जो है पेमेंट वहाँ पे दिखाई देगा, आप वहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आपकी छात्रवृत्ति आ गई है। और मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ, ये जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ केवल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पेमेंट आती है आप उसी को यहाँ पे चेक कर पाएंगे। या फिर आप सोच रहे हैं कि अगर कोई अलग से कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी पर्सन आपके अकाउंट में पैसा भेजेगा तो आप यहाँ अकाउंट नंबर डाल के चेक कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो भी यानी कि सरकार द्वारा जो भी राशि भेजी जाती है चाहे जिस भी योजना का हो तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के उसे चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।